सो हे गाइज, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एवी डिफेंस करियर। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में देखा होगा कि जो आपने थंबनेल में अभी देखा कि इंडियन एयरफोर्स की एग्जामिनेशंस की डेट जो है नोटिस में बताई गई है, तो फ्रेंड्स इसके रिलेटेड मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था इसी नोटिस को लेकर। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि वो फर्स्ट ऐसा वीडियो था जिसमें ये नोटिस जो है वो बताई गई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस नोटिस को सबसे पहले बताया था तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत से बंदों ने ऐसे कमेंट्स किए थे कि ये जो है नोटिस जो है वो फेक है, या फिर कुछ का ऐसा कहना था एग्जामिनेशन इतना लेट क्यों जाएगा। तो सभी के क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में हम देने वाले हैं और प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि ये जो डेट जो कि वायरल नोटिफिकेशन है ये राइट है। ये तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया ही है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको कोई भी जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा उसके रिलेटेड। तो सबसे पहले उन बंदों को मैं बता दूं जो ये कह रहे थे कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर नहीं है। तो भाई, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है कि ये नोटिफिकेशन है, ये वायरल हो रहा है, ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल साइट पर नहीं है। और भाई, ऑफिशियल साइट पर होगा कैसे, ये तो ईमेल का स्क्रीनशॉट है जो कि वायरल हो रहा है। तो ये तो ईमेल का स्क्रीनशॉट है जो कि जहाँ तक इस मैसेज को नोटिस को पढ़ने से यही लगता है कि ये नोटिस जो है वो CSB द्वारा सेंड किया गया है सेंटर इंचार्ज को, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो भाई, ये जो नोटिस है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। कल सबसे पहले हमने आपको वीडियो बनाकर इस नोटिस को बताया था और इस नोटिस के बारे में पूरा हमने डिटेल आपको बताया था कि इस नोटिस में क्या क्या लिखा है, कितना सही है। तो भाई, वीडियो का प्रीवियस वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और भाई, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि जो भी आप लोगों के कमेंट आए हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि ये फेक है, तो भाई मैंने उस वीडियो में ऐसा कभी नहीं कहा है, चाहे इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि 101% राइट ही है। लेकिन मैंने किस बेसिस पर आपको बताया है कि ये सही हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही नोटिफिकेशन एक वायरल हो रहा था एग्जामिनेशंस को लेकर आपके 22 से 26 अगस्त, जो कि यार जो आप लोगों ने देख लिया कि वो राइट ही था, क्योंकि अगस्त 3rd वीक में इंडियन एयरफोर्स एग्जाम कराना चाहती थी, तो वो जो नोटिफिकेशन था वो राइट था। उसके बेसिस पर मैंने बताया है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये राइट हो सकता है। सेकंड थिंग, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर नहीं है, ये ईमेल का स्क्रीनशॉट है जो कि वायरल हो रहा है, ग्रुप में आया था, तो हमने वीडियो बनाकर इसके बारे में फुल डिटेल आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात आती है कि इस नोटिफिकेशन में डेट जो लिखी गई एग्जामिनेशंस की वो इतनी लेट क्यों है। अगर ये सही है, अगर हम लोग इस नोटिफिकेशन को सही मानते हैं, तो जो एग्जामिनेशंस की डेट है वो इतनी दूर क्यों चली गई है। बंदों के कमेंट ऐसे भी आए हैं कि सर इतना लेट एग्जामिनेशंस क्यों होंगे। तो भाई, रीजन कुछ जहाँ तक हमें समझ में आता है, देखिए भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी एग्जामिनेशंस जो कि पोस्टपोन चल रहे थे अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो जितने भी एग्जामिनेशंस SSC से लेकर जितने बहुत से एग्जामिनेशंस है भाई, वो सभी एग्जामिनेशंस NEET JEE जो भी एग्जामिनेशंस पोस्टपोन चल रहे थे, सभी एग्जामिनेशंस होने वाले थे। तो भाई, जहाँ भी एग्जामिनेशंस होते हैं, समझ लीजिए कि एक सेंटर है वहाँ पे SSC का एग्जामिनेशंस होना है, तो भाई वहीं जब डेट, जिस डेट को वो सिस्टम जो है खाली रहेगा तभी तो आपके एग्जामिनेशंस होंगे। तो अगर इतने सारे एग्जामिनेशंस टोटल पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं, तो जब तक सिस्टम खाली नहीं होगा तब तक एग्जामिनेशंस कैसे होंगे। तो यही हमको रीज़न तो यही लग रहा है, अगर ये डेट सही है तो इतना पीछे जाने का। और एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, जस्ट मिनट, एक बात यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये जो डेट दिया हुआ है और यहाँ देखिए ऊपर फाइनल डेट्स, प्लीज़ नोट दैट वी हैव रिसीव द न्यू एंड फाइनल डेट, यानी कि सिलेक्शन टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट के लिए इंडियन एयरफोर्स ने यह फाइनल डेट फिक्स किया है, यानी कि इस डेट को किसी भी तरह 101% एग्जामिनेशन होना ही है, इसीलिए इतना लेट ले गया है एग्जामिनेशंस को। अभी जो स्टार्टिंग में एग्जामिनेशंस हो रहे हैं वो ऑफलाइन वाले हो रहे हैं, धीरे धीरे ऑनलाइन वाले स्टार्ट होंगे। और जो भी एग्जामिनेशंस, जितने भी एग्जामिनेशंस अभी पोस्टपोन चले थे, सभी एग्जामिनेशंस होंगे,
इसीलिए जहां तक मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स ने एग्जामिनेशंस को और लेट रखा है ताकि जो है आपके एग्जामिनेशंस 101% हो जाएं और सिस्टम जब भी खाली मिलेगा तभी तो एग्जामिनेशंस होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं। तो भाई यही रीजन मुझे लगता है। और उसके बाद जहां तक बात आती है इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि कैसे राइट हो सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको भाई जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में टोटल फुल डिटेल आपको जानकारी हो जाएगी, तो उस वीडियो को देख लीजिए। और यार चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, क्योंकि भाई ऐसा ही नोटिफिकेशन जो है, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया था कल, तो भाई ऐसी ही वीडियोस और ऐसे नोटिफिकेशन में हम आपको हमेशा लगातार देते रहते हैं। तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई बेल आइकन को क्लिक करना यार मत भूलिएगा। तो भाई बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आखिर लिखा क्या हुआ है। ये नोटिफिकेशन अगर राइट है तो इसमें लिखा क्या हुआ है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि मॉक मेन और बफर डे का मतलब क्या होता है, क्यों, और इसमें से एग्जामिनेशन डेट अगर ये सही है तो कौन सी हो सकती है। तो ये जो बीच वाली डेट आपको दिख रही है, मेन जो लिखा हुआ है, जो मेन लिखा हुआ है, ये आपकी डेट हो सकती है 4 से 8 नवंबर 2020। मॉक का मतलब होता है कि इस दिन जो है, इन दिनों में जो भी सिस्टम का चेकअप होता है वो सीडेक द्वारा किया जाता है, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है एयरमैन का। नेक्स्ट बफर का मतलब है कि इतने दिन तक, 1 से 9 तक जो है, वो जो भी सिस्टम है, जिस भी सेंटर का जो भी सिस्टम है, टोटल जो सिस्टम है वो सीडेक के पास होगा। उसके बाद 9 के बाद बफर डे के बाद जो है, जो भी सिस्टम होगा वो एग्जामिनेशंस ख़त्म हो जाएंगे, आपका जो सेंटर का जो सिस्टम होगा वो फ्री हो जाएगा, वो अब जो सेंटर वाले हैं वो फिर किसी को एग्जामिनेशंस के लिए दे सकते हैं वगैरह, जो भी करना हो, मतलब कि फ्री हो जाएंगे एग्जामिनेशन से। तो यही इन तीनों का मतलब है, मॉक मेन और बफर का मतलब। तो और यहाँ भी एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसको एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप जो है इसे कंफर्म करिए, जितना जल्दी हो सके। यानी कि भाई एग्जामिनेशंस की डेट जो है, अगर ये सही है तो ये भाई फिक्स है, ये जो डेट है वो फिक्स है कि 4 से 8 नवंबर एग्जामिनेशंस होंगे, अब कोई भी पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आप लोग जो है तैयार रहिए, एकदम तैयार रहिए। और हाँ, मानते हैं कि एग्जामिनेशन से लेट चले गए, अगर ऐसा होता है, अगर एग्जामिनेशन से लेट होते हैं तो भाई पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन भाई मन लगाना होगा, तभी एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा नोटिफिकेशन था, जो आप लोगों के बहुत से कमेंट्स कल हमारी वीडियोस पे आए थे, तो मैंने सोचा कि एक जो है वीडियो बनाकर जो भी आपके कन्फ्यूजन है उनको दूर करना चाहिए। तो भाई ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करना दोस्त, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, सबसे पहले चाहिए, तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल की जो इस नोटिफिकेशन का वीडियो है, शायद हमने सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन बताया था, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तब फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।